राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कथा। बंधुओं, पूर्णिमा के दिन इस कथा को जो मनुष्य भी सुनते हैं उन्हें जीवन में पूर्ण सुख की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही जीवन में उन्हें कभी भी आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ता। उनके जीवन में सदा ही खुशहाली बनी रहती है। बंधुओं, यदि आप इस कथा को पूर्ण विश्वास और सच्ची निष्ठा के साथ सुनेंगे तो भगवान श्री हरि आपकी हर मनोकामना शीघ्र पूरी करेंगे। आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आप पर भगवान विष्णु जी का, लक्ष्मी जी सहित पूर्ण आशीर्वाद बना रहेगा। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायणाय 5 बार जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। किसी नगर में चंद्रहास नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम कृतिका था और वही नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके यहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, पर उनके कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वे बहुत दुखी थे। एक समय एक तपस्वी उस नगरी में आया। वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी घरों से लेकर भोजन करता, पर वह रूपवती से भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन जब तपस्वी ने किसी अन्य घर से भिक्षा ली और गंगा के किनारे जाकर प्रेम पूर्वक खाने लगा, तब धनेश्वर ने तपस्वी के सभी कार्यों को करते देखा और अपनी भिक्षा के अनादर को देखकर धनेश्वर तपस्वी से जाकर बोले, आप सभी घरों की भिक्षा लेते हैं, पर मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते? तब तपस्वी ने कहा, जो निसंतान हो उसके घर की भिक्षा बड़ी पाप दायिनी मानी जाती है। पतितों का अन्न खाने से मनुष्य आप भी पतित हो जाता है, क्योंकि तुम निसंतान हो इसलिए मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं ले सकता। धनेश्वर ने तपस्वी के पैर पकड़ लिए और बोला, मुझे आप पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए, मेरे इस दुख को खत्म करें, आप मेरे दुख को खत्म करने में समर्थ हैं। तब उसके द्वारा प्रार्थना करने पर तपस्वी कहने लगा, तुम चंडी की आराधना करो। और आकर उसने ब्राह्मणी को सारी बात बताई और खुद चंडी की तपस्या करने के लिए वन में चला गया। उसने चंडी की उपासना की, उपवास किया और 16वें दिन उसे चंडी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पुत्र होगा, पर वह 16 वर्ष का हो जाएगा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, पर यदि तुम 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु प्राप्त करेगा। जितनी तुम्हारी समर्था हो उतने घी के दीपक बनाकर शिवलिंग के सामने जगाना, पर ऐसा 32 पूर्णिमा को ही करना। प्रातः काल होने पर इस स्थान पर तुम्हें एक आम का पेड़ दिखाई देगा। पेड़ पर चढ़कर एक आम तोड़ना और घर ले जाकर पत्नी को दे देना। अब वह स्वप्न से जागा और पत्नी को सारी बात बताई। स्नान करके पत्नी को खिलाना। प्रातः काल होने पर इस स्थान पर तुम्हें एक आम का पेड़ दिखाई देगा। पेड़ पर चढ़कर एक आम तोड़ना और घर ले जाकर पत्नी को सारी बात बताना और स्नान करके पत्नी को खिलाना। उसके संतान होगी। जब वह सवेरे उठा उसने वहां एक आम के पेड़ को देखा और आम लगा देखा, पर वह आम तोड़ ना पाया क्योंकि आम बहुत ऊंचे लगा था। और गणेश जी से प्रार्थना करने लगा कि हे गणेश जी, मेरा कार्य सिद्ध करें और मैं अपना मनोरथ पूर्ण कर सकूं। गणेश जी की कृपा से धनेश्वर पेड़ पर चढ़ गया और उस फल को देखा। उसे महसूस हुआ
कि ये तो वही वरदान वाला फल है। और उसने तोड़ा और पेड़ से नीचे उतर आया और फिर घर जाकर उसने अपनी पत्नी को दिया। नवे महीने उसके पुत्र पैदा हुआ और पुत्र बहुत ही सुंदर और सुशील था। उसकी माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत करना शुरू कर दिया। 16वां वर्ष लगते ही माता पिता को चिंता होने लगी कि कहीं 16 वर्ष होने पर बेटे की मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि ये घटना अगर उनके सामने घटित हुई तो क्या होगा। उन्होंने उस बच्चे के मामा को बुलवाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवी दास को तुम एक वर्ष के लिए काशी में ले जाकर विद्या ग्रहण करवाओ। उसे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना, तुम सदा उसके साथ रहना। और इस तरह से उन्होंने अपने बेटे को एक वर्ष के लिए काशी भेज दिया। किंतु यह बात मामा को नहीं बताई। धनेश्वर ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए भगवती की आराधना शुरू कर दी और फिर 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा कर लिया। कुछ दिनों के बाद मामा भांजा किसी गांव में ठहरे हुए थे। जिस धर्मशाला में वे ठहरे हुए थे वहां एक बारात ठहरी हुई थी। लगन के समय वर को कोई रोग हो गया। वर के पिता ने कुटुंबियों के साथ विचार विमर्श किया कि वह देवीदास को वर के रूप में ले जाते हैं और बाद में विवाह के अन्य काम अपने पुत्र के साथ करवा देंगे। वर का पिता देवीदास के पास गया और बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो ताकि लगन का काम सुचारू रूप से हो सके। उसके मामा बोले, वर को जो मिले वो हमें देना, मेरा भांजा वर बन जाएगा। और वे मान गए और देवी दास को वर बनने के लिए भेज दिया। विवाह कार्य विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ भोजन ना किया और पत्नी ने देखा कि उसकी पति की आंखों में आंसू है। वह बोली, आप उदास क्यों हैं? लड़के ने सारी बात बताई। उस कन्या ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अग्नि के सामने मैंने आपको पति बनाया है। देवी दास ने कहा, ऐसा मत कहिए, मेरी आयु बहुत छोटी है, मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारा क्या होगा? पत्नी बोली, जो होगा सो देखा जाएगा। दोनों ने साथ में भोजन किया और सो गए। देवी दास ने जाने से पहले अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी अंगूठी दी और 1 रुमाल दिया और कहा कि इसे मेरा संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा जन्म मरण जानने के लिए 1 पुष्प वाटिका लगाओ और वहां नव मल्लिका लगाओ और उसे जल से सिंचित करती रहो। जिस दिन ये सूख जाए समय लेना, मेरे प्राणों का अंत हो गया, अर्थात मेरे प्राण निकल गए। जब ये फिर से हरे भरे हो जाएं तो समय लेना, मैं जीवित हो गया हूँ और इसे मेरा संकेत समझना। प्रातः काल होते ही विवाह कार्य संपन्न हुए तो कन्या ने अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसका रात्रि में मेरे साथ विवाह हुआ था। यदि यह मेरा पति है तो मुझे बताए कि रात्रि में हमारी क्या बातें हुई थी, इसने मुझे क्या दिया। ये बातें सुनकर वर कहता, मैं कुछ नहीं जानता। वह लज्जित होकर वहां से चला गया और बारात भी वापिस लौट गई। मामा भांजा काशी विद्या अध्ययन के लिए चले गए और एक दिन काल से प्रेरित होकर एक सर्प देवी दास को काटने के लिए वहां पहुंचा। जहर की ज्वाला से सारे स्थान जहरीला हो गया। पूर्णिमा व्रत की कृपा से सांप उसे काट ना पाया। काल वहां आया, उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगा और वह मूर्छित हो गया। भगवान शिव पार्वती भी वहां आए। उसे मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा, इसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, इसे प्राण दें। भक्त वत्सल भगवान ने उसे प्राण दान दिए। व्रत के प्रभाव से
काल को भी पीछे हटना पड़ा। उसकी स्त्री उसकी प्रतीक्षा करती थी। उसने देखा कि पुष्प वाटिका में कुछ भी ना रहा और साथ ही देखा कि सब हरा भरा हो गया। ऐसा देखकर मैं बहुत हर्षित हुई और अपने पिता से बोली, पिताजी मेरे पति ठीक हैं, उन्हें ढूंढिए। उधर मामा भांजा भी 16वां वर्ष पूरा होने पर काशी से वापिस चल पड़े और कन्या के घर पहुंच गए। कन्या ने अपने वर को पहचान लिया। धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से पुत्रवान हो गया और जो भी स्त्री इस व्रत को करती हैं वह कभी विधवा नहीं होती, सौभाग्यवती रहती है। यह व्रत पुत्र पोत्रों को देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भगवान शिव की कृपा से 32 व्रत करने वालों की हर इच्छा पूरी हो जाती है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।